Hello everyone, welcome back to English Council. Guys, today we'll be learning cause or result indicator sentence part 3. Before the part 3, I have made the video on part 1 and part 2. If you haven't watched those videos, go to the description, you'll find the link over there and watch those videos so that you may understand the part 3 very easily. Guys, as we all know, cause or result indicator sentence, we call them in Hindi karan या परिणाम सूचक वाक्य, यानी हिंदी में इनको बोलते हैं कारण या परिणाम सूचक वाक्य। गाइस, जैसा कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बताया है, इस तरह के सेंटेंसेस में दो भाग होते हैं, यानी देयर आर टू पार्ट्स सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस। दो तरह के इसमें भाग होते हैं। पहला जो भाग है, यानी जो पहला पोर्शन होता है, वो क्या किस में होता है? परिणाम में होता है, यानी रिजल्ट में होता है, उससे हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। और दूसरा जो भाग है उसमें क्या है? कारण देखने को मिलता है, कारण हमें पता चलता है क्या कारण है, कैसे, यानी परिणाम और रिजल्ट इसमें आपस में अपोजिट में चलते रहते हैं। तो पहले भाग में आप देखेंगे मनोभाव यानी इमोशन, एग्जेक्टिव मिलेगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल आपको देखने को मिलेगा। यानी जैसा कि हम जानते हैं दैट क्लोज हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो दैट क्लोज में हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लोज को। इस तरह के सेंटेंसेस में बनाते हैं, हम किस में बनाते हैं? एडवर्ब क्लोज में। जैसा कि पहले में हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल क्लोज बनेगा, ठीक है। उसके बाद दैट क्लोज आ जाएगा हमारा, दैट के बाद हमारा क्या आ जाएगा? एडवर्ब हम क्लोज बनाएंगे। यानी इस तरह के जो फॉर्मूला है, इस बेस पे हम इस सेंटेंसेस को बनाते हैं। पहला सेंटेंसेस समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बहुत से लोगों को इस तरह से बोलते हैं, मुझे खुशी है कि आप आए। यानी आपके यहाँ पे कोई आता है, गेस्ट मेहमान आते हैं, तो आप बोलते हैं कि मुझे खुशी है कि आप आए। या आप इसे ऐसे ना बोलकर ऐसे बोलते हैं, मैं खुश हूँ कि आप आए, मुझे खुशी है कि आप आए, या मैं खुश हूँ कि आप आए। यानी आप आए तो मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ? ग्लैड हूँ, खुश हूँ। तो कैसे बनाएंगे? आई एम ग्लैड दैट यू केम, आई एम ग्लैड दैट यू केम। तो ये जो वाला जो ग्लैड है, ये कौन सा है हमारा? ये है हमारा एग्जेक्टिव, यानी इमोशन एग्जेक्टिव का हम यूज करते हैं, ठीक है। इमोशन में क्या होता है? कहीं खुशी होती है, कहीं दुखी होता है, कहीं प्राउड होता है, कहीं सरप्राइज होता है, कहीं शॉक होता है। तो वो क्या होता है हमारा? इमोशन एग्जेक्टिव हम यूज करते हैं, जो पास्ट पार्टिसिपल में होता है। अगला सेंटेंस से देखिएगा, मुझे दुख है कि वह नहीं आ सकता। यानी अब यहाँ पे क्या आ गया? सॉरी आ गया। दुख के लिए हम क्या यूज करेंगे? सॉरी। तो ये कौन सा हो गया? इमोशन एग्जेक्टिव है। इसमें खेद के लिए, यानी दुख है, यानी मुझे खेद है कि वह नहीं आ सकता, या मुझे दुख है कि वह नहीं आ सकता, या मैं दुखी हूं कि वह नहीं आ सकता। तो कैसे बनाएंगे? आई एम सॉरी दैट ही कैन नॉट कम, आई एम सॉरी दैट ही कैन नॉट कम, मुझे दुख है कि वह नहीं आ सकता। अगला सेंटेंस है, मैं खुश हूं कि आपने मुझे याद किया। मैं खुश हूं, किसी ने आपको फोन किया या कैसे भी, कि मैं खुश हूं कि आपने मुझे याद किया। तो आई एम ग्लैड दैट यू मिस्ड मी, यानी मुझे रिमेम्बर किया, मिस किया मुझे, तो आई एम ग्लैड दैट यू मिस्ड मी। अगला सेंटेंस है, हमें गौरव है कि हम भारत के नागरिक हैं। गौरव मतलब प्राउड, यानी घमंड, ठीक है। हमें क्या है? गौरव है कि हम भारत के नागरिक हैं। वी आर प्राउड दैट वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं, तो हमें क्या है? गर्व है। वी आर प्राउड दैट वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। अगला सेंटेंस है, मुझे शर्म है कि वह मेरा मित्र है, वह मेरा दोस्त है। यानी मुझे शर्म है, यानी कुछ ऐसा काम कर दिया उसने जिससे आपको क्या है? लज्जा महसूस हो रही है, शर्म महसूस हो रही है, तो आप बोल रहे हैं कि मुझे शर्म है कि वह मेरा मित्र है। आई एम असेम्ड दैट ही इज माई फ्रेंड, यानी आपके दोस्त ने कुछ गलत काम किया, तो आपको भी उस पर क्या है? शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन में आप बोल रहे हैं आई एम असेम्ड। तो ये असेम्ड किसका काम कर रहा है? ये इमोशन एग्जेक्टिव का काम कर रहा है, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इमोशन एग्जेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल में भी आप बोल सकते हैं, यानी इसको पास्ट पार्टिसिपल हम कहते हैं, इमोशन एग्जेक्टिव। दैट ही इज माई फ्रेंड, आई एम असेम्ड दैट ही इज माई फ्रेंड। समझने की कोशिश करिएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं दुखी हूं कि आप मुझे भूल गए हैं। अब दुख होगा भाई, कोई आदमी आपको भूल गया, या आपका कोई भी गर्लफ्रेंड है, या फिर जीएफ आपकी आपको भूल गई, तो आप उस कंडीशन बोल सकते हैं। या आपका कोई भी पुराना मित्र है, वो आपको भूल गया, तो आप बोल सकते हैं कि मैं दुखी हूं कि आप मुझे भूल गए हैं। आई एम सॉरी दैट यू हैव फॉरगॉटन। फॉरगॉटन मतलब भूल, फॉरगेट क्या होता है? भूल जाना। फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म है, तो फॉरगॉटन मी। तो आई एम सॉरी दैट यू हैव फॉरगॉटन मी, मुझे दुख है कि आप मुझे भूल गए हैं, या मैं दुखी हूं कि आप मुझे भूल गए हैं। अगला सेंटेंस है, मुझे आश्चर्य है। आश्चर्य मतलब सरप्राइज्ड, यानी अचंबा है, मुझे अचंबा है, मुझे आश्चर्य है कि वह फेल कर गई। यानी वो लड़की इतना पढ़ती थी और वो फेल हो गई। तो उस कंडीशन में आपको भी क्या सरप्राइज होगा, अरे यार इतना पढ़ने के बाद भी फेल कर गई और दूसरी कॉलोनी में वो पास हो गया। तो मुझे आश्चर्य है कि वह फेल कर गई। आई एम सरप्राइज्ड दैट शी फेल्ड। आई एम सरप्राइज्ड दैट शी फेल्ड। तो गाइस यही आज की हमारी क्लास में था कॉज रिजल्ट इंडिकेटर सेंटेंस पार्ट 3 के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश काउंसिल।